बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत अब तक पांच पांच स्वर्ण व रजत और तीन कांस्य पदक के साथ 15 पदक जीत चुका है। भारत ने महिला टीम लॉन बॉल और पुरुष टेबल टेनिस में एक एक स्वर्ण पदक जीता है। वहीं भारोत्तोलन में विकास ने रजत पदक हासिल किया और बैडमिंटन टीम ने भी रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों का आज छठा दिन है। आज भारतीय खिलाड़ियों से विभिन्न स्पर्धाओं में देश को पदक की उम्मीद होगी। आज स्पर्धा की शुरुआत भारोत्तोलन के साथ होगी, जिसमें पुरुष भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह और गुरदीप सिंह अपने अपने फाइनल मुकाबले खेलेंगे। वहीं महिलाओं की वेट लिफ्टिंग में पूर्णिमा पांडे 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल स्पर्धा में मैदान में होंगी। स्क्वैश में सौरभ घोषाल कांस्य पदक के लिए उतरेंगे। इसके अलावा तैराकी, एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के अन्य मुकाबले खेले जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों के पांचवें दिन तक खेले गए मुकाबलों में भारत अब तक कुल 13 पदक जीत चुका है, जिसमें 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। लॉन बॉल में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर लिया, उसे दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया। वहीं टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। मंगलवार को खेले गए भारोत्तोलन स्पर्धा में विकास ठाकुर ने रजत पदक अपने नाम किया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के पांचवें दिन की पदक तालिका पर नजर डालें तो 42 स्वर्ण पदक के साथ ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिसने अब तक 31 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं तीसरे पायदान पर 13 स्वर्ण पदक के साथ न्यूजीलैंड है। चौथे स्थान पर कनाडा है, जिसने अब तक 11 स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका 6 स्वर्ण पदक के साथ पांचवें पायदान पर है। भारत छठवें स्थान पर है। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। भारतीय बैडमिंटन टीम के मिक्स टीम इवेंट स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। भारतीय टीम को प्रतियोगिता के फाइनल में मलेशिया के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारतीय बैडमिंटन टीम का राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार दूसरी बार स्वर्ण जीतने का सपना अधूरा रह गया। भारतीय बैडमिंटन टीम ने 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने वाली किदांबी श्रीकांत, सात्विक साईराज, सुमित रेड्डी, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, त्रिशा जॉली, आकर्षि कश्यप, अश्वनी मुनाप्पा, गायत्री गोपीचंद और पीवी सिंधु की भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई। उनकी उपलब्धि पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट संदेश में लिखा कि बैडमिंटन भारत में सबसे प्रशंसनीय खेलों में से एक है। राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक इस खेल को और अधिक लोकप्रिय बनाने और आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को इसका अनुसरण करने में मदद करेगा।